नमस्कार, मेरा नाम सुनील भट्ट है और आज तक और इंडिया टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामानंद सागर साहब के बारे में, जिन्होंने रामायण को देश के हर घर तक पहुंचाया, जिन्होंने रामायण में जो हमें इतना कुछ प्रेरणा मिलती है उसको घर घर तक पहुंचाया, उनके जीवन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज उनका जन्मदिवस भी है और आज हम उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे उनके सुपुत्र के साथ, प्रेम सागर साहब के साथ। प्रेम सागर जी, आज तक पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय श्री राम। आपके दर्शकों को भी जय श्री राम। जय सियाराम। अच्छा प्रेम बिल्कुल सागर जी, रामानंद सागर का जीवन जो है हम सबके लिए प्रेरणा है। जिस तरह से उन्होंने हर कोई काम किया, जैसे कि हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि उन्होंने साबुन बेचा, एक चपरासी का भी कार्य किया उन्होंने, लेकिन जीवन में फिर उन्होंने इतना कुछ हासिल किया अपने साहस के दम पर, अपने प्रतिभा के दम पर। आप उनके जीवन के बारे में हमें कुछ बताइए, और खास तौर पर जो उनका सबसे बड़ा योगदान है भारतीय समाज के लिए, कि रामायण को उन्होंने घर घर तक पहुंचाया, कि मतलब रामायण के बारे में ज्यादातर कथाओं के रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बताया जाता था, लेकिन जब रामायण टीवी पर आया उससे हर एक व्यक्ति रामायण से परिचित हुआ, और उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर। हम देखते थे कि जब रामायण आता था टेलीविजन पर, कहा जाता कि कर्फ्यू लग जाता था। तो ये रामायण की सोच रामानंद सागर के मन में कब आई, क्योंकि आप भी रामायण को बनाने में काफी, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो आप हमसे वो साझा कीजिए कि रामानंद सागर साहब के मन में ये सोच कब आई और ये कैसे फिर मेटेरियलाइज हुआ। लंबी चौड़ी कहानी है सुनील जी, पर शुरुआत करता हूं कि एक जीव जिसने प्यून का काम किया, ट्रक साफ किए, साबुन बेचा सड़कों पे, क्लर्क बने, मतलब क्या नहीं किया है। 70 साल की उम्र में वो रामायण बनाते हैं जो कि विश्व भर में मतलब नंबर 1 सीरियल हो जाता है इन व्यूअरशिप, 65 करोड़ एज पर BBC। ये कोई छोटा मोटा मतलब एक अचीवमेंट नहीं हो सकती, ये कोई दिव्य अचीवमेंट ही हो सकती है। ये दिव्य घटना थी। अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि जी ने जो सबसे पहली रामायण तो चंद्रमौली ने पार्वती माँ को सुनाई, वो शिव भगवान ने, एंड वहां पे काकभुशुंडी जी बैठे हुए थे, उन्होंने कथा सुनी, वो पंछियों की सभा में गई, करते करते वाल्मीकि जी के पास आई। उस टाइम सिर्फ स्वर से ज्ञान दिया जाता था, तो उन्होंने 24,000 श्लोकों में रामायण लिखी। उसके बाद जब लिपि भाषा आई तो लिपि भाषा में एक नया मीडियम चाहिए था, तो तुलसीदास जी ने उसे पाली भाषा में, अवधी में रामायण का प्रचारण किया। पर जब इलेक्ट्रॉनिक एज आ गई तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ऋषि भी तो चाहिए था, एक कलयुग का तुलसीदास भी तो चाहिए था, जी बिल्कुल। जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में रामायण को रीराइट कर जाए। रामायण को लिख तो सकता नहीं, बना सकता नहीं, वो तो रचना है ही। जी बिल्कुल। काकभुशुंडी जी ने 14 बार देखी है रामायण, 14 मनुओं के मन्वंतर में 14 बार उन्होंने राम जी को देखा है। तो ऐसा रामायण तो हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, एंड उसको हमको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये है कि नहीं, ये है, दैट इज द कंसेप्ट। ये सब जो सिडो इंटेलेक्चुअल्स की रामायण हुई कि नहीं, राम हुए कि नहीं, अरे जब नासा ने सेतु के फोटो बता दी है, एंड उसकी मतलब उन्होंने डिटेल्स भी निकाले हैं, 7,000 साल पहले ये लाइमस्टोन था, तो रामायण तो है ही है। उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी तो हमको सोचना भी नहीं चाहिए, हो संकल्प भी नहीं करना चाहिए। प्रेम सागर जी, आपने एक एक अहम मुद्दा छेड़ा है, मैं इस पर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि कई लोग भी, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देते हैं, क्योंकि आप रामायण धारावाहिक बनाने में आपका इतना बड़ा योगदान रहा है, आपके पूरे परिवार का, तो पीड़ा होती है जब आप ऐसी चीजें सुनते हैं लोगों से।
कीड़ा मतलब अयोध्या में मतलब राम मंदिर नहीं था जहां रामा राम पर, ये कैसे इवन काक भुशुंडी और अयोध्या से ही है, वो ब्राह्मण थे अगर देखा जाए तो। राम की पूरी जर्नी की, जैसे रामेश्वरम नाम का शहर नहीं था वो अपना इसको कहते थे अपना अपना पर्वत का नाम था मदगंधा, गंध पर्वत है ना। रामेश्वरम तो तब बना जबकि राम ने उनका शिवलिंग बना के पूजा की, उसका प्रमाण का तो सवाल ही नहीं उठता है, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। इट इज फूलिश मैडनेस, पागलपन कि राम के ऊपर क्वेश्चन किया जाए। ये मैं राम भक्त के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, एक रैशनल थिंकिंग के तौर पे भी कह रहा हूँ, एंड एक आज के जमाने की मतलब पैदाश के हिसाब से भी कह रहा हूँ, उसका तो सवाल ही नहीं उठता है कि राम था कि नहीं। दैट इज द मोस्ट इडियोटिक सूडो इंटेलेक्चुअल थिंकिंग मेरे हिसाब से। अच्छा प्रेम सागर जी, जो मैं उसी बिंदु पर दोबारा आता हूँ, शुरुआत में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, क्योंकि आज हम रामानंद सागर साहब को याद कर रहे हैं, उनकी पुण्य स्मृति को मेरा शतशत नमन भी है, आज उनका जन्म दिवस है। आज हम रामानंद सागर साहब के जीवन को याद कर रहे हैं और उनकी पुण्य स्मृति को मेरा शतशत नमन भी है। रामायण जो काव्य है, महाकाव्य है, जो हमारे पूर्वजों की देन है, वो उन्होंने घर घर तक पहुंचाया, आज की जो पीढ़ी है उस तक पहुंचाया। ये रामायण धारावाहिक बनाने के पीछे की कहानी बताइए कि ये कब ये सोच आई उन्हें कि इस पर धारावाहिक बनाना चाहिए जो कि टेलीविजन पर आए, उसके बारे में जरा बताइए। इसकी दो कहानियां हैं। एक तो जब ये पैदा हुए तो इनका नाम चंद्रमौली रख दिया गया, विच इज नॉट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि चंद्रमौली शिव भगवान है जो चंद्र को ग्रहण करते हैं, एंड पहली बार रामायण सृष्टि में शिव भगवान जी ने एस चंद्रमौली पार्वती माँ को कही। जब इनका नाम संस्करण हुआ तो इनका नाम रामानंद रख दिया गया, जब विवाह हुआ तो पत्नी का नाम लीला आया तो रामलीला हो गए। नाउ दिस कैनॉट बी ए कोइंसिडेंस, अगर आप ये मोती जोड़ेंगे तो वो शख्स पैदा ही हुए थे, वो आत्मा भेजी गई थी, ये क्योंकि डाइल्यूट हो गया है, उसका एक ही मतलब था, ये फिल्म बनाना, ये टीवी के अंदर चीजें बनानी, ये सब जहाँ कहानियां लिखनी या जर्नलिस्ट बनना या स्ट्रगल करना, ये सब उनको, जैसे हमने पीएचडी करनी होती है तो हम पहली जमात में जाते हैं, फिर मैट्रिक पास करते हैं, फिर फर्स्ट ईयर, आप स्ट्रेट वे पीएचडी तो नहीं जा सकते ना। जिस शख्स ने हिस्ट्री क्रिएट की, इतिहास क्रिएट किया, यू नो द मोस्ट व्यूड सीरियल इन द वर्ल्ड, एंड इमेजिन 33 साल के बाद जब अब पैंडेमिक में फिर से रिलीज हुई तो रामायण गॉट 77 मिलियन व्यूअरशिप, whereas द हाईएस्ट व्यूअरशिप वॉज 19 मिलियन ऑफ गेम्स ऑफ थ्रोन। अभी आप मुझे बताइए कि उसका कोई कंपैरिजन है? 33 साल के बाद भी वो प्रोडक्ट उससे भी ज्यादा जिंदा था